हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। तो आज हम करें क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, आज का जो टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपका एआईपीएमटी 2012 में, एआईपीएमटी 2010 में, नीट 2014 में, नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ओके, तो इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था, आज हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं, इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, परमानेंट टिश्यू के अंदर हम टू टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सिंपल एंड सेकंड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल्स होंगे उससे एक टिश्यू बन जाएगा, वो सिंपल टिश्यू के अंदर आएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां पे 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स जो वो मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां पर जो हमारा सिंपल टिश्यू, हम यहाँ पे 3 टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू है वहां पर हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो यही पे हमारा ये सब कुछ आज इस लेक्चर के अंदर रहने वाला है, और जो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, यहाँ पे लिख रखा था सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। तो हमने देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला लास्ट वाला लेक्चर जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि मेन डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंस भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक यानी मेरिस्टोसिस, जो आप ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड, तो यानी जो वो सेल्स जो बार बार डिवाइड करे होते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। जो एक पर्टिकुलर स्टेज के जाने के बाद डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर, उनमें कोई भी डिवाइड बार बार नहीं होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो ये लिख रखा था सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, परमानेंट टिश्यू हैविंग सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। ओके, तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के हम टिश्यू पढ़ेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में ये कह रहे हैं कि जहां पर सभी सेल्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए चाहे फंक्शन की बात कर लीजिए, वो सभी के सभी सेल्स क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, तो उनको बोलते हैं हम सिंपल टिश्यू, यानी सिमिलर सिंपल, ऐसे याद रख सकते हो। तो सिमिलर जो टिश्यू, सिमिलर जो सेल्स होंगे उनसे क्या बनेगा, आपका सिंपल टिश्यू बनेगा। नेक्स्ट ये बता रहा है परमानेंट टिश्यू, देखिए परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर अगर कोई टिश्यू बन रहा है तो उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसलिए मैंने बता दिया परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी 1 से ज्यादा 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर अगर कोई टिश्यू बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल जो टिश्यू होता है उसमें हम पढ़ेंगे 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सिंपल टिश्यू, देखिए ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंपल टिश्यू के अंदर आपको केवल सिंगल टाइप के सेल्स सारे मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल सा है कि यहां पर हम 3 टाइप के सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले देख लेते हैं हम पैरेन्काइमा। ओके, यहां पे लिख रखा है इन्होंने पैरेन्काइमा ब्लैक बोर्ड लेटर के अंदर। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद द ऑर्गन्स। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गन के अंदर कोई मेजर कंपोनेंट बनाने का, ज्यादातर जो कंपोनेंट बनाने का काम होता है वो किसका होता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमें बहुत जाइलम के अंदर भी देखने को मिलेगी, फ्लोएम के अंदर भी देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग जो सेल्स होते हैं, जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर भी हमें बहुत ज्यादा पैरेन्काइमा देखने को मिलेगी। ओके, द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसो डायामेट्रिक, यानी जनरली जो है वो आइसो डायामेट्रिक, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सेम। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो डायामीटर का क्या मतलब हो गया कि उस जो एक सर्कल होता है उसको जो डायामीटर होता है उसको बोलते हैं। ओके, जो रेडियस का डबल होता है उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो यहां पर जो सेल्स होते हैं वो जनरली आइसो डायामेट्रिक होते हैं, मतलब उन सेल्स का जो डायामीटर है वो लगभग लगभग, ऐसा नहीं है सभी का बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, लगभग लगभग जो होगा सेम होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये आसपास ही है। ओके, ज्यादा नहीं है कि एक 6 सेंटीमीटर हो गया, एक सीधा 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो सेल्स होंगे उनका जो, यहां पर ऐसा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर का सेल मिलेगा, इतना लार्ज नहीं मिलेगा। ये मैंने केवल आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया, एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि उसको बोलते हैं आइसो डायामेट्रिक। ओके, अगर लिख रखा है दे में भी स्पेरिकल, ओके, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप, ये सभी इंपॉर्टेंट है।
जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इससे जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी ज्यादातर जो शेप होगी वो सर्कुलर ही होगी, ओके, यानी स्पेरिकल टाइप होगी। उनकी अलग अलग हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, ओवल जैसे आपके एग्स वगैरह होते हैं ना वैसे कुछ, ओवल शेप भी हो सकती है, बिल्कुल राउंड शेप भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। पॉलीगोनल मतलब एक से ज्यादा डायगोनल जो होते हैं, ओके, मैथ के अंदर पढ़ते ना, ट्राइगोनल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, थ्री, मतलब थ्री लाइंस, ओके, ऑक्टागन के अंदर कितनी होती है, एट ऐसे लाइन, तो ऐसा आपका क्या हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकती है, ओके, और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, थोड़े से इलोंगेटेड हो सकते हैं, थोड़े से लेंथ के अंदर भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर मेनली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्फेरिकल टाइप के शेप में ही देखने को मिलते हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो यहां पर जो इनकी सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है, जनरली हम जितने भी यहाँ पे पढ़ेंगे ना उनमें ज्यादातर में थिक पढ़ेंगे, बट जो आपकी पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो ज्यादातर कैसी होती है, थिन होती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कैसी होती है, थिन होती है यानी पतली होती है। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, तो यहाँ पर क्योंकि ये टिश्यू बना रहा है, पैरेन्काइमा टिश्यू बना रहा है, तो इसके अंदर जो सेल्स है ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर बिल्कुल भी हमें स्पेस देखने को ना मिले, मतलब बिल्कुल पास 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 में हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में जो हमें अलग थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाए। ओके, द पैरेन्काइमा परफॉर्म द वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, तो पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, यानी आपका फोटोसिंथेसिस सबसे मेन रोल आता है, उसमें भी मदद करता है, स्टोरेज कोई फूड वगैरह स्टोर करना है उसमें भी पैरेन्काइमा मदद करता है, कुछ चीजें सीक्रेट करनी है उसमें भी मदद कौन करता है, आपका पैरेन्काइमा। अब डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो आपका ग्रीन्स के अंदर ये जो सेल्स के अंदर डायग्राम दिया, ये पैरेन्काइमा का दिया, तो यहाँ पे देखिए जनरली आइसोडायमेट्रिक है, मतलब जनरली जो है वो एक सिमिलर काइंड ऑफ शेप हमें दिखाई दे रही है, ओके, और इनके बीच में हमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेलुलर स्पेस और इसके साथ ही पैरेन्काइमा टिश्यू। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में, यहां तक तो हमारा पैरेन्काइमा था, कोई भी नीट वगैरह में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अब हम बात कर लेते हैं कोलेनकाइमा। द कोलेनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, तो देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बिलो मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो मिलता है वो कौन सा मिलेगा हमें, कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा। इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट, ज्यादातर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके बाद हमें ज्यादातर कौन सा देखने को मिलेगा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलेगा। इट इज फाउंड आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, इसका मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस लेयर यानी पूरी एक लेयर की फॉर्म में मिलेगा, इसे कंटिन्यूस ऐसे लेयर होगी, मान लीजिए ये आपकी एपिडर्मिस है और ऐसे कंटिन्यूस लेयर होगी, ओके, ऐसे भी मिल सकता है। पैचेस का मतलब है कि यहां पर हो गया आपका कोलेनकाइमा, फिर कुछ दूर नहीं है, फिर वापस कोलेनकाइमा आ गया, फिर नहीं है, फिर कोलेनकाइमा आ गया, तो ऐसे जो गैप छोड़ छोड़ के अगर है टिश्यू है तो उसको बोलते हैं पैचेस के अंदर है, और अगर कंटिन्यूस हम कहीं पे भी एपिडर्मिस हटाए और अगर कोलेनकाइमा दिख रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यू लेयर के अंदर है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड, अब देखिए मैंने कहा था कि ज्यादातर जो सेल्स होते हैं तो यहाँ पर पैरेन्काइमा ही जो है वो आपको थिन देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको थिक ही देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, कहां पर थिक होते हैं, एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, तो यहां पर जो सेल्स हैं उनके जो कॉर्नर है वो काफी थिक हैं। थिक क्यों है, क्योंकि यहां पर डिपोजिशन हो चुका है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का एंड आपके पेक्टिन का। ओके, ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोलेनकाइमा का है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको सेल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने सेल वॉल दिखाई है, यहाँ पर ये जो सेंटर के अंदर व्हाइट वाला पोर्शन है ये क्या आपका वैक्यूल है, जो बाकी अगर ग्रीन पार्ट है वो क्या आपका प्रोटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ये कॉर्नर है ये काफी थोड़े से थिक दिखाई है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए थिक एंड कॉर्नर, अब ये काफी थिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन वगैरह जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, तो इसी वजह से ये जो कॉर्नर है वो काफी थिक हो चुके हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स मे बी ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पर देखिए पैरेन्काइमा भी जो थे वो स्पेरिकल थे, वो भी ओवल थे, वो राउंड थे, बट यहाँ पर राउंड इन्होंने लिखा है, पॉलीगोनल लिखा है। ओके, तो यहां पर इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो सेल्स हो सकते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और इनके पास क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करते हैं सनलाइट को ट्रैप करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि यहां पर भी इनके पास क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, यानी ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद कर सकते हैं। ओके, अगले कहा है दीज सेल्स एसिमिलेट
फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एसिमिलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो वहां पर जो है क्योंकि फूड सिंथेसाइज क्लोरोप्लास्ट वगैरह तो फूड बनेगा, तो फूड जो है वो बनेगा फिर इकट्ठा भी होगा, ओके एक जगह स्टोर भी होगा, तो यहां पर क्या होने लगता है कि फूड जो है इन सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है, क्यों, क्योंकि यहां पर इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, यहां पर देखिए पैरेन्काइमा के अंदर जो था वो इंटरसेलुलर स्पेस था भी और नहीं भी था, उन्होंने कहा कि मे बी एब्सेंट एंड प्रेजेंट, तो ज्यादातर जो है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है पैरेन्काइमा के अंदर, बट कोलेन्काइमा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर हमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देगा, यानी दो सेल्स है उनके बीच में कोई भी गेप हमें यहां पर दिखाई नहीं देगा, ओके। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कोलेन्काइमा एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं, ओके। टू द ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ ए लीफ, तो जो लीफ होती है उसका जो पेटियोल होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम पेटियोल पढ़ा था, ओके तो वो लेमिना होता है, ये पेटियोल होता है, और ये पेटियोल जो होता है वो ब्रांच से अटैच होता है, तो वो क्योंकि देखिए लीफ को हवा में रखना है तो वहां पे वो जो होता है वो क्या करता है, उसको एंटी ग्रेविटी ऊपर रखने का काम करता है ना लीव्स को, ओके क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लीफ नीचे भी जा सकती है, उसको ऊपर रखने का काम कौन करेगा, पेटियोल ज्यादातर, तो उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, तो आपका जो पेटियोल है इनडायरेक्टली उसके अंदर कौन से टिश्यू मिलते हैं, कोलेन्काइमा टिश्यू मिलते हैं जो कि सिंपल टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर भी देखें हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, फाइबर एंड स्क्लेरिड, ओके तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, ओके ये हमारा थर्ड टिश्यू है सिंपल के अंदर, ओके यानी इसके बाद सिंपल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। तो देखिए स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग ए फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर लॉन्ग होते हैं, लेंथ के अंदर ज्यादातर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था ज्यादातर स्पेरिकल वगैरह, ओवल वगैरह, पॉलीगोनल वगैरह था, कोलेन्काइमा भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि वो भी स्पेरिकल है, ओके आपका ओवल है, पॉलीगोनल है, तो मतलब ज्यादातर वो राउंड शेप में होते हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा जो है वो ज्यादातर लॉन्ग होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, ओके और नैरो होते हैं, थोड़े से पतले होते हैं, नैरो सेल विद द थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी लिग्निफाइड होती है, ओके लिग्निन वगैरह उसमें डिपोजिट होते हैं, वो लिग्निफाइड होती है और काफी थिक होती है। तो मैंने आपको सिंपल पहले ही बता दिया था कि पैरेन्काइमा के अंदर जनरली हमें थिन देखने को मिलती है, ज्यादातर हमें थिक ही देखने को मिलेगी, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ है, फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, मतलब इसके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आपको बीच में सेंट्रल ल्यूमन, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है पिट्स, जो लाइनें आ रही है ऐसे सेंटर के अंदर छोटी छोटी पतली पतली लाइनें आ रही है, इनको क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, तो ये कुछ और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ से लेकर बहुत ज्यादा एक सेल के अंदर ऐसे पिट्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं, ओके। दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जो आपके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं, मतलब वो सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ओके मतलब आपको ज्यादातर वो साइटोप्लाज्म वैक्यूल वगैरह ज्यादातर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ओके तो ज्यादातर कैसे होते हैं, ये डेड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजन एंड डेवलपमेंट स्क्लेरेन्काइमा मे आइदर बी फाइबर और स्क्लेरिड, तो मैंने आपको बता दिया था कि स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है उसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड करेंगे, एक हम पढ़ेंगे फाइबर एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे स्क्लेरिड, तो इसको वापिस से डिवाइड कर दिया गया है। याद रखना सिंपल में हमने थ्री पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में कोई भी डिवीजन नहीं था, बट स्क्लेरेन्काइमा में वापिस फर्दर डिवीजन होकर टू टाइप के वापिस जो है वो बना दिए गए हैं, एक फाइबर एंड सेकेंड हमारा स्क्लेरिड, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फाइबर के बारे में, द फाइबर आर थिक वॉल्ड, ओके इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल जनरली अकर इन ग्रुप्स, ओके तो यहां पर ये जो फाइबर जो होते हैं ना वो जनरली कैसे होते हैं, आपके लेंथी होते हैं, ओके जैसे ज्यादातर कैसे होते हैं, ये लेंथी होते हैं और जो उनकी सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, ओके और ये बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। अब आप यहां से डिफरेंस देख सकते हो डायग्राम से, यहां पर देखिए ये इन्होंने दिया है फाइबर, तो फाइबर देखिए ऐसे जो है वो थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है, ओके और इसके एंड जो वो टेपरिंग एंड होते हैं, मतलब एंड जो होंगे वो बिल्कुल पतले से होंगे, और जो स्क्लेरिड होता है वो कैसा होता है, ज्यादातर देखिए जनरली राउंड शेप का आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके तो यहां पर ये आप डिफरेंस आराम से याद रख सकते हो, फाइबर जो होगा वो एक फाइबर की तरह होगा, धागे की तरह होगा, थ्रेड की तरह होगा, थोड़ा सा लेंथी में होगा, बट स्क्लेरिड जो होंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे, स्फेरिकल ओवल वगैरह से राउंड शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ओके।
तो ये आप एक इनसे जो है वो इमेज देखकर भी आप डिफरेंस पता लगा सकते हो। ओके ओके, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये जो सेल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्क्लेरिड की। द स्क्लेरिड आर स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड एंड डेड सेल वॉल। ओके, तो यहां पर आपको बता दिया था कि वेरी नैरो ल्यूमन। यहां पर देखिए स्क्लेरिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं, बट ये भी हाईली थिकेंड होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया थिकेंड मतलब यहां पर जो सेल वॉल होगी वो काफी थिक होगी। ओके, एंड डेड सेल होंगे ये भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि स्क्लेरन का इमेज जनरली कैसा है, आपका जो है वो डेड सेल है। ओके, तो यही बता दिया कि नैरो कैविटी यानी ल्यूमन जो होता है वो बहुत ही नैरो होगा। तो हमने जो पीट्स आ रही थी लाइनें, सेंटर में जो है वो क्या है, बहुत ही नैरो ल्यूमन हमें देखने को मिल जाता है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर मिलते हैं। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर देखिए, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो जो आपके स्क्लेरिड होते हैं वो ज्यादातर जो नट्स वगैरह होते हैं, जो नट आपके फ्रूट होते हैं, उनकी जो वॉल होती है बाहर की जो काफी हार्ड होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्क्लेरिड मिलेंगे। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सेप्टो। तो जो गुआवा वगैरह या फिर पियर या सेप्टो जो होता है, इनका जो पल्प होता है, जो बीच में जो आप जिसे खाते हो, ईट करते हो, वो भी आप देखो काफी हार्ड होता है। अगर आप गुआवा का जो पल्प देखोगे वो भी काफी हार्ड होता है, चाहे पियर देखोगे, जो नाशपति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको भी देखो काफी हार्ड होता है वो अंदर से। ओके, तो वो हार्ड क्यों है, क्योंकि वहां पे स्क्लेरिड प्रेजेंट है, इसी वजह से वो थोड़ा काफी हार्ड होता है उसका पल्प। पल्प किसको बोलते हैं, जो बीच में हम जिसको ईट करते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर पल्प की बात की थी ना, कि मैंगो जो फ्रूट होता है उसमें बहुत ही फ्लैशी होता है। मैंगो तो सबने खाया होगा, तो बाहर वाली लेयर है जिसको हम ईट करते हैं बाद में, जो जितना भी ईट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्प। और सेंटर में क्या होता है, वो सीड होता है। तो यहां पर भी जो पल्प होता है ना इन फ्रूट के अंदर, वो काफी हार्ड होता है, और वो उसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरिड्स होते हैं, स्क्लेरिड टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं सीड की। तो देखिए, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो लेग्यूम प्लांट किनको बोलते हैं, जो ज्यादातर जो अनाज वगैरह, जो दाल वगैरह जिनसे बनती है। ओके, तो वहां पे जो लेग्यूम प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनके अंदर हमें भी स्क्लेरिड देखने को मिल जाते हैं। और जो टी, टी तो सबने देखी होगी। ओके, तो टी जो क्योंकि चाय पीते हैं तो वो सबने देखी होगी, तो उसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, स्क्लेरिड देखने को मिलता है। स्क्लेरन काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। तो स्क्लेरन काइमा जो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज्यादातर, क्योंकि इसमें अंदर जो सेल्स है वो नॉर्मली कैसे हैं, डेड सेल हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, अभी पीछे वाला जो पोर्शन पढ़ा था यहां से अभी तक जो नीट में क्वेश्चन खास आए नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो लास्ट पोर्शन पढ़ा इसका मतलब कभी नहीं है, देखिए कई ऑप्शन में वगैरह वगैरह में बीच में आ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी पोर्शन को छोड़ देंगे, सभी एनसीईआरटी की लाइन, वर्ड, डायग्राम सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर एक चीज को जो है वो अच्छे से समझ रहे हैं एनसीईआरटी को। ओके, तो अब हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मैं बता चुका हूं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम टू टाइप के पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर भी हम फोर टाइप के सेल्स देखेंगे, और आपका फ्लोएम के अंदर भी हम फोर टाइप्स के सेल ही देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये सिंपल मैं बता चुका हूं, अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर कोई टिश्यू बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। बट वो अलग अलग सेल्स जो है वो सभी मिलकर काम एक ही करते हैं, फंक्शन एक ही काम करते हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट्स। तो सिंपल सा समझ हमें आ चुका होगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इन्होंने दिए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। पहले हम जाइलम देखेंगे, जाइलम के अंदर फोर अलग टाइप के सेल्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम जो फ्लोएम देखेंगे उसमें भी डिफरेंट फोर टाइप के सेल्स आएंगे उनकी बात करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जाइलम फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए ये इतना पोर्शन पढ़ते हैं और हम ये कहते थे कि यहां से नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। जी हाँ, आया हुआ है। देखिए, जाइलम फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू, ये सभी को पता है कि जाइलम जो है वो ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, इतना हमने सबने पढ़ा हुआ है, बट नीट 2019 में ये नहीं पूछा गया था। नीट 2019 में जो ऑप्शन थे वहां पे ये वाटर था, बट उसके आगे लिख दिया था वाटर ओनली, वाटर एंड मिनरल ओनली। फिर एक ऑप्शन दिया था वाटर मिनरल हॉर्मोन्स, ओके, और आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो देखिए ये चारों चीजें होती है जो आपके प्लांट्स के अंदर हार्मोन होती है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में,
तो वो भी जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम फिर पढ़ेंगे और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपका वाटर को, मिनरल को, हॉर्मोन को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, और वहीं से जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बट ये यहाँ से इतना पढ़ा हुआ है तो बच्चे इसमें क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने प्लीज आपको ये बता दिया है। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। तो एक काम तो ये करता ही है कि वाटर, मिनरल वगैरह, हॉर्मोन वगैरह, कंडक्शन तो काम तो करता ही करता है, इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल सपोर्ट बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे अभी हमारा ये सब कुछ सामान, आपका मोबाइल वगैरह जो सब कुछ है वो टेबल पे रखा है, तो टेबल क्या करिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ओके, सहारा दे रही है हमारे हाथ रखने के लिए, ओके, ऐसे सिंपल। ओके, अब यहाँ पे देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे भी हम फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फ्लोएम के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन से पढ़ेंगे, ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम पेरन फाइबर एंड जाइलम पेरनकाइमा। तो फोर फोर कौन से हो गए आपके, ट्रेकिड्स, वेसल्स, आपके जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरनकाइमा। ट्रेकिड्स एंड वेसल्स, इनको हम बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट, और ज्यादातर कंडक्शन का काम जो होता है वो ये दो करते हैं, कौन कौन से, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। ओके, अब ये भी आपको बता देते हैं कि आपका आगे क्या क्या कौन सा काम करता है। ओके, तो यहां पर देखिए, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम। तो आपको ये तो पता है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है वो भी आपका वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर आ जाता है, यानी यहां पर जाइलम फ्लोएम देखने को मिलती है, बट अब ये समझिए कि यहां पर जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी, यानी वेसल्स जो आपके ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं वो केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, और इस चैप्टर का नाम ही क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो जिम्नोस्पर्म में आप ये समझ लेना कि वहां पर वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। तो जो ट्रैकिड होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब, जैसे आपकी ट्यूब होती है ना, पाइप जो होती है जिसमें से आपका वाटर जाता है, आप मोटर ऑन करते हो और फिर जो पाइप में से क्या आता है आपका पानी आता है ना, और फिर वो टंकी भर जाती है, ओके, वाटर टैंक पूरा। तो इसी तरह यहां पर भी ये जो होते हैं ट्रैकिड्स, ये भी कैसे होती है, ट्यूब लाइक, क्योंकि इनका काम भी क्या है, वाटर कंडक्शन करवाने का। विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स, इंपॉर्टेंट है कि यहां पर, ओके, जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। मैंने आपको पेरनकाइमा में ही बता दिया था कि यहाँ पे थिन है, ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे वहां पे थिक ही पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, काफी थिक होती है, लिग्निफाइड, वहां पे जो होता है वहां पे लिग्निन वगैरह डिपोजिशन हो जाता है, ओके, और यहाँ पे एंड जो होते हैं वो टैपरिंग एंड होते हैं। टैपरिंग एंड का मतलब है वहां पर एक जो बिल्कुल पतला सा एंड होगा, ओके, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है ट्रैकिड्स, ये ब्लू क्यों कर रखा है, क्योंकि ये वाटर कंडक्शन का काम करती है, तो ये डायग्राम जो है वो ब्लू कर दिया गया, बट एक्चुअल पुरानी अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्लू नहीं किया गया है। तो यहां पर ये देखिए, इसके एंड जो होते हैं वो टैपरिंग एंड है, मतलब देखिए एंड जाकर बिल्कुल पतला सा हो चुका है, इसको बोलते हैं टैपरिंग एंड। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो आप ये समझ लीजिए, जो ये सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रैकिड्स, तो ये बिल्कुल डेड सेल्स हैं, इनके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। आप सिंपल सा ये समझ सकते हो कि यहाँ पे केवल सेल वॉल है और अंदर खाली जगह है, वहां से पानी जो है वो जा रहा है, एक ट्यूब होती है वैसा ही कुछ है ये, ओके। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। तो जो अंदर वाली जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, तो जो इनर सेल वॉल होती है वहां पर जो थिकनिंग होती है वो अलग अलग हो सकती है, कहीं से पतली, कहीं से मोटी, ऐसे भी हो सकती है, ओके। इन फ्लोरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि मेन जो आपका काम करते हैं वो ट्रैकिड एंड वेसल होते हैं, इन्हीं लिए इन्हें ट्रैकरी एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये ट्रैकरी एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर भी हम रीड करते हैं, ओके, वहां पर भी ये पढ़ते हैं कि इनको बोलते हैं ट्रैकिड्स, ट्रैकरी एलिमेंट, किस किस को, ट्रैकिड एंड वेसल को, क्योंकि ज्यादातर जो होता है वो कंडक्शन का काम कौन करते हैं, ये ट्रैकिड एंड वेसल ही करते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं वेसल्स के बारे में। तो ये एक चीज तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको वेसल वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि वेसल जो है वो केवल आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म वगैरह में नहीं देखने को मिलेंगे, ओके। वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
तो जो वेसल्स होते हैं वो भी आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ट्रेकिड्स थे वैसे ही, ओके। एंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, और यहां पर ये जो आपके बहुत सारे सेल्स से मिलकर जो होते हैं वो वेसल्स बनते हैं, जिनको हम वेसल मेंबर्स बोलते हैं। हर एक सेल को क्या बोलेंगे? वेसल मेंबर। क्यों? क्योंकि वो क्या बना रहा है? वेसल्स बना रहा है, ओके। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड ए लार्ज सेंटर कैविटी। तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि थिक होगी तो यहाँ पे लिग्निफाइड वॉल्स होगी। लिग्निफाइड से क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर वगैरह का कंडक्शन हो रहा है वो बाहर नहीं जाता है, ओके। तो इसीलिए ज्यादातर जो आपके ट्रैकरी एलिमेंट्स है यहाँ पर जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है, ओके, इसीलिए है ये, ओके। और जो सेंट्रल कैविटी है वो काफी लार्ज है ताकि वाटर का कंडक्शन बहुत आसानी से हो पाए। द वेसल सेल आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी यहां पर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो इसका मतलब ये सेल्स भी हमें कैसे देखने को मिलेंगे? डेड सेल्स देखने को मिलेंगे। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो वेसल्स मेंबर होते हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं परफोरेशन। अब ये परफोरेशन क्या होती है, कॉमन वॉल्स क्या होती है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये दो पेन है, ओके। ये दो पेन जो ये यहां से आपके देखिए बिल्कुल एक इधर से और इधर से एक पाइप की तरह बिल्कुल हवा जो है आर पार हो रही है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वेसल है, इसको हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका तरह, एक वेसल की तरह। ये हमारे पास सेकंड वेसल है। अब ये हमारे पास दो वेसल हो चुकी है, जाइलम वेसल्स, ओके। तो यहां पर क्योंकि ये देखिए इसी के अंदर ऐसा ही है लिग्निफाइड सेल वॉल मान लीजिए पूरा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से वॉटर आ रहा है और आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक परफोरेशन वर्ड समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं। परफोरेशन का मतलब देखिए, यहां से जो होता है जो एंड प्लेट है, अब यहां पर ये जो है यहां पे एंड हो रहा है ना, ये एलिमेंट यहां पे एंड हो रहा है, ये यहां से भी एंड हो रहा है, ये इतना ही तो है, तो ये इसका एंड पार्ट हो गया, मतलब यहां से आगे जाके खत्म, ये भी इसका एंड पार्ट हो गया यहां से आगे जाके खत्म, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब ये भी एंड पार्ट है, तो ये दोनों एंड पार्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ओके, और ये अब एक पूरी ट्यूब लाइक बन जाएगी, मतलब ये एक कंटिन्यूस पाथ बन जाएगा। अब दोनों ऐसे आपस में जुड़ चुके हैं, तो अब जो है वो कंटिन्यू पाथ बन चुका है। आप ऐसा समझिए कि जो पानी वाली पाइप होती है, ओके, आप मान लीजिए आप चार, आपको जो है वो 10 फुट दूर पानी लेके जाना है, ओके, 10 फीट दूर जो है वो आपको पानी लेकर जाना है, बट आपके पास जो पाइप है वो टू पाइप्स है, ओके, एक 4 फीट की है और सेकंड 6 फीट की है। तो आप क्या करोगे, 4 फीट और 6 फीट जो अलग अलग पाइपें हैं उनको दोनों को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तभी तो वो 10 फीट में पाइप जाएगी और तभी आप पानी लेके जा सकते हो आसानी से। तो वो जो कनेक्शन का काम हो रहा है उसको बोलते हो आप सिंपल सा परफोरेशन। वहां पे परफोरेशन मतलब दोनों एंड जो है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ताकि एक प्योर लॉन्ग पार्ट बन जाए। तो आपको सिंपल सा समझ में आ चुका होगा, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि जो वेसल्स होती है वो केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, इन्होंने यही बताया। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो यहां पर जो आपका एंजियोस्पर्म होता है उसी के अंदर ही आपको क्या है, केवल और केवल वेसल देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में वेसल देखने को नहीं मिलते। परफोरेशन के बारे में मैं एक पॉइंट और बता दूं, वेसल के अंदर आपको देखिए परफोरेशन मिलता है, बट ट्रेकिड्स के अंदर जो एंड थे वो क्या थे, टैपरिंग एंड थे, मतलब बिल्कुल पतले से होके क्लोज हो रहे थे। तो बिल्कुल पतले से होके क्लोज हो रहे थे, वहां पे परफोरेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। सिंपल समझ में आ गया, ट्रेकिड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, वेसल के अंदर आपको परफोरेशन देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम फाइबर की। यहाँ पे हमारा ट्रेकिड्स कंप्लीट हो चुका है, वेसल कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। जाइलम फाइबर्स हैव हाइली थिकेंड वॉल्स, तो यहां पर भी ये जो वॉल्स है वो कैसी है, थिकेंड है, एंड ऑब्लिट्रेटेड सेंट्रल ल्यूमन। ऑब्लिट्रेटेड का मतलब होता है या तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, या है भी तो बहुत ही पतला सा ल्यूमन है, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल बारीक धागा आप उसमें से डाल सकते हो, इतना छोटा, ओके, वो धागा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं है, बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा सा ल्यूमन वहां पर है, उसको बोलते हैं ऑब्लिट्रेटेड, या तो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है या फिर है तो बहुत ही माइन्यूट सा है। दे में आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ये सेप्टेट और एसेप्टेट किंगडम फंजाई में हमने बहुत पढ़ा था। सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होता है, सेप्टेट का मतलब है सेल एक ही है बट उसमें से ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए, तो उसको बोलते हैं सेप्टेट, और अगर कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है पूरा लॉन्ग है तो उसको बोलते हैं एसेप्टेट, ओके। और फंजाई जो पढ़ते हैं ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, वहां पे ये पढ़ते ही रहते हैं, माइसीलियम जो है सेप्टेट, माइसीलियम सेप्टेट वगैरह, ये हम वहां पे पढ़ते हैं। तो सेप्टेट एसेप्टेट का सिंपल सा आपको मतलब समझ में आ चुका, अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए तो सेप्टेट, नहीं बने तो एसेप्टेट, ओके ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखिए जाइलम
पैरेन्काइमा, इसका मतलब यहां पर क्या होंगे, पैरेन्काइमा होंगे। फाइबर, जाइलम फाइबर, यानी वहां पर वो वाले सेल्स आए थे जो टिश्यू था ना हमारा स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, हमने पढ़ा था ना फाइबर एंड स्क्लेरिड, तो वो जाइलम फाइबर के अंदर वो फाइबर वाले सेम आए थे। और यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर मतलब पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, वैसे ही सेल्स यहाँ पर होंगे। ओके देख लीजिए, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। ओहो कुछ तो ऐसे आए हैं जो लिविंग है, तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा कैसे हैं, लिविंग सेल है, बहुत ही अच्छी बात है। थिन वॉल, तो मैंने आपको बता दिया पैरेन्काइमा ज्यादातर कैसे हैं, थिन वॉल, तो ये भी थिन वॉल है। एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। यहाँ पे लिग्निफाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, याद रखना ज्यादातर लिग्निफाइड 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 पढ़ पढ़ के मगरा हो चुका है, बट यहाँ पर लिग्निफाइड नहीं है। दे स्टोर फूड मेटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फेट, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना पैरेन्काइमा के अंदर की वो स्टोरेज का काम करते हैं, सीक्रेशन का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या करिए, फूड स्टोर का काम करिए। देखिए स्टोर फूड मेटीरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फेट की फॉर्म में। अदर सब्सटेंस लाइक टेनिस, तो आपका जो टेनिन्स होता है उसको भी स्टोरेज का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, जैसे रेडियल मतलब जैसे एक तो प्लांट के अंदर ऐसे जा रहा है वाटर, रेडियल मतलब ऐसे भी अगर पानी पहुंचाना है इसको बोलते हैं रेडियल वाटर, हाँ या ना ऐसे। तो ये जो रेडियल ऐसे ऐसे करके ऐसे, ज्यादातर वो जो पंजाबी सिंगर होते हैं ऐसे ऐसे डांस करते हैं ना ऐसे, ये ऐसे हाथ, तो इसको ऐसे जो रेडियल जो है वो कंडक्शन करवाना है तो उसको कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमेटा सेल्स होंगे वो रेडियल कंडक्शन का काम करेंगे। ट्रैकेड वेसल तो सीधा ऊपर लॉन्गिट्यूडल में सीधा पहुंचा देंगे, हाँ या ना। ओके अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में और एंडार्च एक्सार्च वगैरह क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो जाइलम होती है वो प्राइमरी जाइलम जिसकी बात करें, जो पहले बनेगी वो प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बनेगी वो सेकेंडरी जाइलम। बट यहाँ पर देखिए प्राइमरी जाइलम भी टू टाइप की हो सकती है, मतलब जो पहले बनी वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनी वो मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटो एंड मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम कैसी है, टू टाइप की हो सकती है, प्रोटो एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होगी वो अर्ली स्टेज में बन जाएगी, वो होगी आपकी प्रोटो, यानी पहले प्रोटो बाद में मेटाजाइलम। ओके अब इनका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है ये समझिए, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन करवाना। ओके तो रूट्स के अंदर क्या होगा, जो नई नई जाइलम बनेगी ना वो रूट्स में बाहर रहेगी। ओके और स्टेम के अंदर जो नई नई जाइलम बनेगी ना वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी। ओके ये अरेंजमेंट होता है, तो पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, तो जो पहले जाइलरी एलिमेंट्स वगैरह बन जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। अब आप ये यहां पे मत बोल देना कि जो सेकेंडरी जाइलम और ये जो आपकी प्राइमरी जाइलम, यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई रोल नहीं है, एक सिंगल प्राइमरी जाइलम ही लिया है। ओके क्यों लिया है यहां पर हमने प्राइमरी जाइलम ही, तो देखिए सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो वो सब में तो नहीं होती है। अब मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, हाँ ये ना। तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उन्हीं में तो जाके सेकेंडरी जाइलम वगैरह बनेंगे, तो वो तो डाइकोट प्लांट्स में बनेंगे ना। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वाटर कंडक्शन हो रहा है, मोनोकोट के अंदर भी हो रहा है, तो वहां पे भी रूट्स में, तो वहां पर उनका अरेंजमेंट होगा। तो उसी लिए जिसको डिवाइड किया है प्राइमरी जाइलम को वो टू टाइप्स में, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो पहले बन गए ट्रैकरी एलिमेंट्स वगैरह उनको बोल दिया प्रोटोजाइलम। ओके और जो बाद में बने हैं उनको बोल दिया हमने मेटाजाइलम। तो ये सिंपल आपको समझ में आ चुका होगा प्रोटो मेटाजाइलम का, इनका अरेंजमेंट मैं आपको बता चुका हूं, यही इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा। देखिए इन द स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। आप इसको ऐसे समझिए, हमें किसी चीज को वाटर को अगर बाहर से एब्जॉर्ब करना है, ओके बाहर पड़ा है और बाहर से एब्जॉर्ब करना है, तो जो नई नई जाइलम बनेगी उसको कहां रखेंगे, हम बाहर रखेंगे ताकि जल्दी से काम हो, हाँ या ना। क्योंकि जो नया नया होता है उसमें जोश ज्यादा होता है ना, जैसे नए नए आप नीट की तैयारी करने बैठते हो तो जोश ज्यादा होता है, हाँ या ना। तो यहां पर भी जो है वो नया नया, जैसे एक छोटा बच्चा ले लो आप, एक 8 ईयर्स ले लो, एक 6-8 ईयर्स ले लो, तो 8 ईयर क्या है, जो नया 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 जिसका जन्म हुआ, जो छोटा बच्चा है उसमें जोश ज्यादा, वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगा, और जो 8 ईयर्स वाला है उसकी एज काफी हो चुकी, इतना जल्दी फास्ट वर्क नहीं हो पाएगा। तो हमें बाहर से जो है वो वाटर क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, बाहर से एब्जॉर्ब करना है। तो वो कौन करता है, रूट्स ही तो करती है ना, क्योंकि रूट्स आएगी ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड में ऐसे वाटर होगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो बाहर से ही होगा ना, वो अंदर जाके तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, रूट्स तो बाहर ही पड़ी है, वाटर बाहर पड़ा तो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बाहर हम किसको लगाएंगे, प्रोटो को या मेटा को, तो जो नई नई जाइलम है वो जल्दी जल्दी जो काम कर सकती है उसको लगाएंगे, हाँ या ना। अब क्योंकि ऊपर जो स्टेम है उसमें तो डायरेक्ट कंडक्शन का काम करना है,
हाँ या ना, तो वहां पे सेंटर में रखेंगे उसको, कहां पे रखेंगे, सेंटर में, बीच में रखेंगे। ओके क्यों, क्योंकि उसको आराम से जल्दी जल्दी पहुंचाने का काम करता है, उसको बीच में रखो, और जब एब्जॉर्ब करना है तो उसको बाहर रखो। तो रूट्स में हम प्रोटोजाइलम को बाहर रखेंगे, स्टेम में प्रोटोजाइलम को हम अंदर रखेंगे। ओके सिंपल सा है, देखिए तो यहाँ पे लिख रखा है इन द स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, तो यानी यहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ रहेगी, एंड द मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑर्गन। ओके दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च, एंडार्च इसको हम बोलते हैं एंडार्च। ओके रूट्स में क्या होता है, देखिए इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। तो जो प्रोटोजाइलम है, जो नई नई प्रोटोजाइलम बनी है, जो पहले बनी है उसको बाहर रखिए, जो बाद में बन रही है उसको कहां पे रखेंगे हम, अंदर सेंटर की तरफ रखेंगे। ओके तो यहां पर ये देखिए सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च, और इसी को बोलते हैं हम एक्सार्च, इसको क्या बोल जाते हैं एक्सार्च। ये जो एंडार्च और एक्सार्च है ये किसके परस्पेक्टिव में है, प्रोटोजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड में है तो उसको बोल देंगे एंडार्च, प्रोटोजाइलम आउटसाइड में है तो उसको बोल देंगे एक्सार्च। ओके यही पे दिखा हुआ, देखिए प्रोटोजाइलम अगर एक्सार्च यानी पेरिफेरी के है तो उसको एक्सार्च, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है तो उसको बोल देंगे एंडार्च। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब जाइलम वाले पोर्शन से आपका नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, द ट्रेकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकरी एलिमेंट्स, तो जो ट्रेकिड होते हैं वो अदर ट्रेकरी एलिमेंट से कैसे डिफर होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेकिड एंड वेसल को ही केवल ट्रेकरी एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्लास 11 चैप्टर जो आएगा वहां पर भी हमें यही बताया जाएगा कि ट्रेकिड और वेसल को ही ट्रेकरी एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इनके अंदर जो वो कैसे डिफर है, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, बींग इम्परफोरेटेड, लैकिंग न्यूक्लियस, बींग लिग्निफाइड। तो हमने बात की थी वेसल जो होता है वो परफोरेटेड होता है, वहां पे परफोरेशन देखने को मिलता है, बट जो ट्रेकिड्स होते हैं वहां पे टैपरिंग एंड होता है, तो हमें कोई भी ऐसा परफोरेशन नहीं मिलता है। तो जो ट्रेकिड होते हैं वो बीइंग इम्परफोरेटेड होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम के बारे में, तो हम बता चुके कि फ्लोएम के अंदर भी हम फोर अलग अलग टाइप के जो है वो पढ़ेंगे। ओके तो यहां पर देखिए फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मेटीरियल, जो आपका जाइलम था वो मैं बता चुका हूँ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूड जो है वो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, आपका लीव्स में ही हो रहा है, तो वहाँ पे लीव्स से ही अलग अलग पार्ट में जाएंगे। ओके फ्लोएम में, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज ऑफ सीवी ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो जो पेरेन्काइमा और फाइबर है वो तो सेम रहेंगे, जाइलम में आ गए तो जाइलम फाइबर जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम में आ गए तो फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर, बट यहां पर जो आपके ट्रेकिड एंड वेसल थे वो यहां पर नहीं है, वो अलग आ चुके हैं, यहां पे सीवी ट्यूब एलिमेंट्स एंड आप में कंपेनियन सेल देखने को मिलेंगे। तो फ्लोएम के अंदर भी फोर मिलेंगे हमें, कौन कौन से, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ओके तो जैसे जो है हमने पढ़ा था कि जो आपकी वेसल्स होती है जाइलम के अंदर, जो वेसल्स होती है वो केवल फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है, वैसे यहां पर जो सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल्स है ना वो केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलते। उनकी जगह पर क्या मिलता है, देखिए जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीवी सेल्स, तो यहां पर जो है वो कंपेनियन सेल नहीं है, जिम्नोस्पर्म के अंदर एल्ब्यूमिनस सेल्स है। ओके और यहां पे सीवी ट्यूब्स नहीं है, यहां पर सीवी सेल्स है। ओके जो कि आपके किसके अंदर है, जिम्नोस्पर्म के अंदर है, बट अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, ओके जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पर क्या होता है, आपका सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होता है। यानी ये बता रहा है देखिए जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीवी सेल्स, दे लैक, मतलब यहां पर इनके पास ये नहीं होता, क्या नहीं होता, सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म के पास नहीं होता, इनकी जगह पर क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीवी सेल्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नाम दोनों बिल्कुल मिलती है, सीवी ट्यूब एंड सीवी सेल्स, तो अभी देखिए एक नाम इतना ज्यादा डिफरेंस कर देता है। ओके और यहां से आपका AIPMT 2012 में, नीट 2019 में दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यहां पे आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके कि जो आपके सीवी सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स है वो जिम्नोस्पर्म में मिलती है, जबकि सीवी ट्यूब जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलती है। ओके यहां से जो क्वेश्चन आ चुका है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, नीट 2019 ईयर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेक्स, तो फ्लोएम जो है जिम्नोस्पर्म में क्या लेक है, मतलब कौन सी चीज जो है वो नहीं होती है। ऑप्शन देखिए सीवी ट्यूब ओनली, कंपेनियन सेल ओनली, बोथ सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीवी सेल,
देखिए बहुत लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है एक तरह से। तो देखिए दे लेक मतलब जिम्नोस्पर्म लेक सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो अगर लेक लिख दिया है तो यहां पर आ जाएगा आपका सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स बोथ, तो आंसर आ जाएगा सी। अगर लेक की जगह ये होता है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म हैव, ओके एच ए वी हैव आता तो यहां पे आंसर आता आपका ऑप्शन डी एल्ब्यूमिनस सेंड एंड सीवी सेल। तो ये डिफरेंस जो होता है ये जब आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ के और अच्छे से क्वेश्चन को देखते हो ना तब आपको समझ में आता है, कोई बताए कि यहाँ पे ये चीज ऐसी है। ओके तो इसीलिए हम एनसीईआरटी पढ़ के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग खुल जाए, कि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है बट आपको पता ही है फिर दिमाग घूम ही जाता है। ओके अब हम बात कर लेते हैं सीवी ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहले सीवी ट्यूब एलिमेंट, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेंकाइमा, फिर फ्लोएम फाइबर। देखिए सबसे पहले सीवी ट्यूब एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सीवी का मतलब क्या होता है आपको पता है? सीवी का मतलब होता है छलनी, जो आप चाय वगैरह बना के या दूध गर्म कर वगैरह जो छानते हो ना जिसमें से वो जो छलनी होते ना उसको बोलते हैं सीवी। तो ऐसा कुछ जिसमें से छन रहा है, ऐसे जिसमें पोर होते हैं, छेद होते हैं, सिंपल सा ऐसे जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं उसको बोलते हैं सीवी। ओके सीवी ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। यहां पर ये समझिए जो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होगी, तो उनको जो भी कंट्रोल करने का काम होगा ना वो कंपेनियन सेल का होगा। मतलब ऐसा है कि किसी में दिमाग नहीं है तो उसका भाई जो है वो खड़ा है पीछे, भाई तेरे में दिमाग नहीं है तो मैं मेरा दिमाग यूज करके तुझसे काम करवा लूंगा। तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह है नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, तो कंपेनियन सेल ही जो है वो सीवी ट्यूब को कंट्रोल करेगा, उसके फंक्शन वगैरह को वही देखेगा सब कुछ। ओके तो ये समझ लीजिए आप कि सीवी ट्यूब एलिमेंट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल, क्योंकि भैया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करती है सेल को कंट्रोल करती है, जिससे हमारा ब्रेन जो होता है वो बॉडी को कंट्रोल करता है वैसे ही। तो यहां पर भी जो है वो न्यूक्लियस नहीं है तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल, तो इसीलिए एसोसिएशन है। द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, अब आपको समझ में आ चुका होगा एंड वॉल्स परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीवी प्लेट। अब आपको समझ में आ चुका सीव लाइक मैनर का मतलब ऐसे छोटे छेद से होंगे, छोटे 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 छेद हो गए सब में, तो अब वो क्या होगा वो एक प्लेट बन जाएगी, ऐसे एक प्लेट बन गई। ओके और उसके अंदर क्या होंगे आपके छेद होंगे, जैसे एक छलनी के अंदर छेद होते हैं वैसे ही छेदी सिंह होंगे एक तरह से, ये पूरे छेदी सिंह हो जाएंगे, इतने छेद हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि सांस कहाँ से ले रहे हो और सब कुछ, ऐसा ऐसे सीवी ट्यूब प्लेट बन चुकी है, हाँ ना। तो छेदी सिंह याद आए तो यार समझ लेना ये सीवी प्लेट है हमारे। ओके ए मेच्योर सीवी एलिमेंट पोजेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा एंड ए लार्ज वैक्यूल बट लेक ए न्यूक्लियस। मैंने बता दिया था ना कि जैसे ही सीवी एलिमेंट थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है वहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं, मेच्योर सीवी एलिमेंट का कोई न्यूक्लियस नहीं है। साइटोप्लाज्म भी है वो पेरिफेरी के अंदर है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर 90-95% जो पोर्शन है वो क्या यहाँ पे पूरा वैक्यूल है। द फंक्शन ऑफ द सीवी ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस है नहीं तो जो कंपेनियन सेल है वही फायदा उठाएगा, उसकी जो न्यूक्लियस है वही सीवी ट्यूब एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगी। ओके पूरी तरह से, इसलिए दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर तो पैरेन्काइमा है ही बट जो कंपेनियन सेल है वो स्पेशलाइज्ड कौन से सेल है? पैरेन्काइमेटा सेल है। और मैंने आपको बता भी दिया था पैरेन्काइमा बहुत जगह आएगा। ओके तो बताया था ना कि बहुत ज्यादा चीजें फॉर्म करता है ये, बहुत ज्यादा सेंटर मतलब प्लांट के अंदर बहुत चीजें परफॉर्म करता है ये। तो यहां पर भी देखिए जो कंपेनियन सेल है वो पैरेन्काइमेटा सेल है बट स्पेशलाइज्ड हो चुकी है वो पूरी तरह से, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट, क्योंकि भैया इसके न्यूक्लियस से सीवी ट्यूब को कंट्रोल करिए तो क्लोज एसोसिएशन तो हो गई। द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय ए पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। पिट फील्ड का मतलब जैसे प्लाज्मा डाइसोसाइट होता है ना, तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूड मिले तो ऐसे बीच में ऐसे छेद से होंगे जिनके द्वारा जो इनका साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्ट होगा। ओके द कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब। तो सीवी ट्यूब क्योंकि ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करिए फूड का ट्रांसपोर्ट करिए, तो फूड का ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे भी आगे कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम। ओके तो वहां पे बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन वगैरह पढ़ेंगे जैसे नीट में क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं। तो वहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तो यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा सीवी ट्यूब में उसको मैनेज कौन करेगा कि ज्यादा प्रेशर ना हो या ना ही कम हो, तो उसको मैनेज कौन करेगा? कंपेनियन सेल ही करेगा। तो अभी हम फ्लोएम पैरेन्काइमा से पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं जो दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, उससे आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके
देखिए ये है आपका सीवी पोर, ओके ये है आपका सीवी पोर, और ये है आपका सेंटर के अंदर देखिए सीवी ट्यूब एलिमेंट, ओके। और ये जो आपका कंपेनियन सेल है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वॉयलेट कलर का, वो क्या है कंपेनियन सेल, ये भी वॉयलेट कलर का, ये की है कंपेनियन सेल, जो बीच में आपको व्हाइट वगैरह से ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना ज्यादातर, वो है आपका सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। और बीच में देखिए आपको ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, आप अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के रख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपकी एनसीईआरटी एक बार में कवर हो जाएगी अच्छे से, तो वहां पर आप ध्यान से देख लेना, ओके। और यहाँ पे ये क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा थोड़ी सी आउटर साइड में, इसीलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा अलग से भी दिखा दिया। तो यहाँ पे कंपेनियन सेल और हमें सीवी जो ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो मेनली दिखाना था कि उनका क्लोज एसोसिएशन होता है, मतलब यहाँ पे आपका अगर कंपेनियन सेल है तो इसके बिल्कुल साथ में क्या होगा आपका सीवी ट्यूब एलिमेंट होगा, क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसकी न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर रही है, और बीच में से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होंगे जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से बतियाएंगे, बात करेंगे इसे, हाँ या ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो मतलब इसके अंदर भी कौन से आपके टिश्यू वगैरह जाएंगे पैरेन्काइमा सेल वाले हो जाएंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बात की थी ना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इलोंगेशन हो सकती है, शेप अलग अलग देखी थी कि स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, और हमने बात की थी इलोंगेटेड, तो यहाँ पर जो शेप है वो कैसी है इलोंगेटेड है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स है, जैसे हमने बात की थी ना कि ट्रेकिड में टेपरिंग एंड है, वैसे यहां पर भी सिलेंड्रिकल सेल है बट टेपरिंग है, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे इनके पास जो पैरेन्काइमा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस है, काफी गहरा है, ओके। एंड न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस है खुद गया है, सीवी ट्यूब एलिमेंट की तरह नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस है फ्लोएम पैरेन्काइमा की। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, क्योंकि पैरेन्काइमा तो सेलुलोज से ही बनेंगे, एंड पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, और बीच में पिट्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी होते हैं। सेल वाले चैप्टर में हमने प्लाज्मोडेस्माटा बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे चैप्टर पे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देख सकते हो, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कौन चीज कहाँ पर है, एनसीईआरटी इतनी आसान होती है तो कोई भी चैप्टर से पढ़ के बता देता, मैं हर एक चीज आपको बता देता हूँ कि उसको अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है वहां पढ़ो उस पेज पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो चीज आपको आसानी हो जाती है, और कुछ तो हो ना हो इतना काम तो आपका बन ही जाता है, ओके। एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, तो मैं बता चुका हूँ जो आपका पैरेन्काइमा वो स्टोर करने का काम करता है। अब जाइलम के अंदर जो है वो भी क्या करा था, वहां पे फूड स्टोर करा था स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, और आपका टेनिन्स की फॉर्म में, यहां पर क्या कर रहा है वो अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज वगैरह। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एबसेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडोनस, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी लाइने कहां मिलती है देखने को, बहुत ही कम, इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन के अंदर देखने को नहीं मिलती है, याद रखना फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका मोनोकोटिलेडन वगैरह में ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, यही तो एक एक लाइनें होती है जो कॉपी पेस्ट आ जाती है नीट में, और देखते रहते हैं कहां पे क्या लिखा है, ओके। फ्लोएम फाइबर की बात कर लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे फ्लोएम जो है वो पैरेन्काइमा भी कंप्लीट हो चुका है, सीवी ट्यूब कंपेनियन सेल, अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम फाइबर जिसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर क्या होता है, बास्ट फाइबर जो आपका पेपर वगैरह होता है ना, जो नोटबुक के आपके पेपर वगैरह होते हैं वो ज्यादातर बास्ट फाइबर से बनती है, कुछ रस्सी वगैरह जो होती है ना वो भी इससे बनती है, तो ये फाइबर जो होते हैं वह कारपेट वगैरह, कालीन भैया का किसका काम था, कालीन का बनाने का काम था ना, तो वो भी किससे बनता है ज्यादातर बास्ट फाइबर से बनता है, हाँ या ना, ओके। They are generally absent in the primary phloem. ये important है, जो phloem fiber होते हैं, जो primary phloem बनती है उसके अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं, but are found in the secondary phloem. तो मतलब ज्यादातर dicot में देखने को मिलेंगे भी, जहां पे secondary growth होती है वहीं पे तो secondary phloem बनेगी। These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apex. तो ये भी बिल्कुल टेपरिंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, तभी तो इनसे जो हम धागे वगैरह वगैरह रस्सियां वगैरह बनाते हैं, हाँ या ना, और एन ब्रांच होते हैं, इससे ज्यादातर ब्रांचें नहीं निकलती, चलेगा तो एक सिंपल लॉन्ग ए से ही चलेगा, हाँ या ना। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, क्योंकि ये फाइबर है, और फाइबर कौन सा है, फ्लोएम फाइबर मतलब फाइबर, वो वाला फाइबर जो हमने पढ़ा था किसके अंदर, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर फाइबर और स्क्लेरिड, तो वहां पे ये फाइबर है फ्लोएम फाइबर वाला, वही है उसके, वही डेड सेल वगैरह ऐसा ही देखने को मिलता है ये भी, ओके। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, हमने बताया था ना, तो यहां पर भी क्या होगा, जैसे मेच्योरिटी आएगी, हाँ या ना, मेच्योरिटी आ गई भैया,
तो क्या करें, एफडी तुड़वा ले, नहीं सैलरी डेड हो गया। ओके, तो फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। तो मैं बता चुका हूं ना आपका, जूट वगैरह की आपने सुनी होगी, रस्सियां वगैरह ऐसे बनती है। ओके, तो यहाँ पे जूट वगैरह, फ्लैक्स वगैरह, सन हेम्प, हेम्प सन हेम्प आपने पढ़ा, फैमिली कुछ याद आया हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फैमिली के अंदर सन हेम्प कुछ ऐसे करके पढ़ाओ, देख लेना, पढ़ा होगा आपने, एग्जाम्पल आया होगा। आर यूज कमर्शियली द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीवी ट्यूब एंड इज रेफर टू एज द प्रोटो फ्लोएम। ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट प्राइमरी फ्लोएम बनती है उसको हम बोल देंगे प्रोटो फ्लोएम, जो बाद में बनेगी मेटा फ्लोएम। एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज ए बिगर सीवी ट्यूब एंड इज रेफर टू एज मेटा फ्लोएम। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि वहां पे प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। अब प्रोटो और मेटा है तो प्राइमरी फ्लोएम ही, अब ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मोनोकोट में इतना भी देखने को मिले, तो इसीलिए जो फ्लोएम है उसमें जो प्राइमरी फ्लोएम ही जनरली लगेगा। अब उसको टू टाइप, जैसे जाइलम था वैसे यहाँ पे, तो जो प्रोटो फ्लोएम होती है उसकी जो सीवी ट्यूब होती है वो बहुत ही नैरो सीवी ट्यूब होती है। ओके, और यहां पर जो लेटर बनती है वहां पर बिगर सीवी ट्यूब होती है, यानी सीवी ट्यूब थोड़ी सी बिग होती है, इसलिए उसको मेटा फ्लोएम बोलते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।